Hi everyone, in today's video we will discuss what is amensalism. A relationship in which one organism is harmed and the other is neither harmed nor benefit. So, or we can say that one species is harmed but the other species remains neutral. अमेंजलिज्म दो ऑर्गेनिज़म्स के बीच एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक स्पीशीज़ को जो है नुकसान होता है और दूसरी स्पीशीज़ को ना ही नुकसान होगा और ना ही जो है फ़ायदा होगा, ठीक है, वो न्यूट्रल रहेगी. और अमेंजलिज्म दो तरीके का होता है, कंपटीशन और एंटीबायोसिस. कंपटीशन में जैसे कि आपको पता ही है कि अ लार्ज और मोर पावरफुल ऑर्गेनिजम्स एक्सक्लूड अनदर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ शेल्टर और फूड. कंपटीशन में क्या होता है, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच जो है कंपटीशन होता है फॉर फूड और शेल्टर, और जो है पावरफुल ऑर्गेनिज्म होगा वो सर्वाइव करेगा और जो कमज़ोर होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा. सेकंड है अमेंजलिज्म का टाइप, एंटीबायोसिस. एंटीबायोसिस में क्या होता है कि वन ऑर्गेनिज्म सिक्रीट्स अ केमिकल दैट किल्स द अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल द वन दैट सिक्रीटेड द केमिकल इज अनहार्म्ड. एंटीबायोसिस में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो है केमिकल को सिक्रीट करता है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म वो केमिकल सिक्रीट कर रहा है वो अनहार्म्ड है, ठीक है. तो इसका एक एग्जांपल है जैसे कि ब्लैक वॉलनट ट्री जो है, वॉलनट का बॉटनिकल नेम है जुगलानसरेजिया. तो ब्लैक वॉलनट ट्री जो होता है एक केमिकल सिक्रीट करता है जगलोन, जो उसके आसपास जो है, जिसकी वजह से उसके आसपास कोई भी प्लांट जो है ग्रो नहीं करता है, ठीक है. वही यहाँ पर लिखा है कि जुगलांस की रूट सिक्रीट करती है हार्मफुल केमिकल जगलोन, दैट्स वाई देर इज़ नो अदर प्लांट नियर इट, ठीक है. अमेंजलिज्म का एक दूसरा बहुत अच्छा एग्जांपल है जैसे कि पेनिसिलियम, जो कि एक फंगस है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है बिकॉज ये एक एंटीबायोटिक सिक्रीट करता है, पेनिसिलिन. तो जो पेनिसिलियम होता है अगर हम उसे एक मीडियम में रखें तो वो अपने आसपास जो है बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता है, ठीक है, क्योंकि पेनिसिलियम जो है पेनिसिलिन सिक्रीट करता है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है. तो इससे जो है पेनिसिलियम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है लेकिन जो है बैक्टीरिया किल हो जा रहा है. ये अमेंजलिज्म का एग्जांपल है. सो अब हम जो है जो भी अभी तक हमने पढ़े हैं म्यूचुअलिज्म, कमेंजलिज्म, अमेंजलिज्म, उसको एक जो है ब्रीफ डिस्कस करेंगे इन फॉर्म ऑफ चार्ट, ठीक है. उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. तो जैसे कि आप देखते हैं फर्स्ट है इस चार्ट में म्यूचुअलिज्म, जिसे प्लस और प्लस से जो आपको दो साइन दिख रहे हैं, मतलब म्यूचुअलिज्म में क्या है, दोनों का बेनिफिट होता है. दूसरा टाइप था कमेंजलिज्म, उसमें क्या था कि एक का बेनिफिट था और दूसरे को ना बेनिफिट था ना कोई हार्म था. पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक का बेनिफिट होता है दूसरे का हार्म होता है. प्रेडेशन में क्या होता है, एक का बेनिफिट होता है दूसरा जो है एक्सक्लूड हो जाता है, डाई कर देता है. कंपटीशन में दो स्पीशीज़ के बीच कंपटीशन हो रहा है तो किसी